दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जीवन में सबसे अच्छा मित्र हमारा आत्मविश्वास है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं उनको कवर किया था। आज हम प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द कितने होते हैं, प्रयोग और विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी का क्या अर्थ होता है, जो बदल जाए, जिसमें परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्द जिन शब्दों में बदलाव हो जाए। परिभाषा देखें, वे शब्द जिनमें लिंग वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का बदलाव हो जाए, किसके कारण, लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, जो शब्द बदल जाए, जिनमें परिवर्तन हो जाए, जिनमें विकार हो जाए, वो शब्द हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, मैं, अच्छा, जाना, ये जो चार शब्द मैंने लिखे हैं ये चारों ही शब्द हैं, बदल जाएंगे। लड़का, अगर लिंग के आधार पर हम लड़के को बदलेंगे तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करते हुए लड़के का क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। अगर वचन के आधार पर बदलेंगे तो लड़के का, लड़का का लड़के हो जाएगा और लड़की का लड़कियां हो जाएगा। इसी प्रकार मैं का मेरा, मुझ, इस तरह से इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो अच्छी, वचन परिवर्तन करेंगे तो अच्छे। इसी प्रकार जाना का अगर हम करते हैं लड़के के लिए तो जाता है, लड़की के लिए करेंगे तो जाती है, इस तरह से इनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों शब्द हैं वो हमारे विकारी शब्द हैं। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, इन विषयों पर अलग से आगे मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मोटे रूप से हम यहां पर समझ लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जिन वस्तुओं का, जिन व्यक्तियों का, पशुओं का, प्राणियों का, यानी कि यहां पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उनका नाम होता है, और उनका अगर नाम होते हैं तो नाम वाले जो शब्द होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो नाम वाले शब्द होते हैं वो सारे के सारे विकारी शब्द होते हैं। इसी प्रकार सर्वनाम की, जो नाम के लिए जो हम शब्द लगाते हैं, यानी कि संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम शब्द सारे ही विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, और जितने भी विशेषण शब्द होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का अर्थ होता है काम, काम का होना, काम का करना। जिस शब्दों से हमें पता चले क्रिया का होना या क्रिया का करना वो हमारे क्रिया शब्द होते हैं। तो क्रिया वाले जितने भी शब्द होते हैं
वो विकारी शब्द होते हैं। दूसरा हमारा है अविकारी शब्द। अगर हम अलग से लें तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्दों के साथ जब लग जाता है तो अ का अर्थ होता है मैं। विकारी की परिवर्तन हो, विकार उत्पन्न हो, यानी कि न विकार उत्पन्न हो, कि जो शब्द परिवर्तन ना हो, जिनमें बदलाव ना हो, वो होते हैं अविकारी शब्द। परिभाषा देखें, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन व कारक के कारण नहीं बदलता, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अपने ही रूप में रहते हैं, मूल रूप में रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, वो शब्द हमारे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे आज के पहले और ओ हो तो, आज मैं जाऊंगी, लड़की के लिए आज है, लड़के के लिए लगाकर देखते हैं, राम आज जाएगा, लड़के के लिए लगाया फिर भी आज रहा, यानी कि आज हम जाएंगे, आज वह जाएगा, इसलिए आज में क्या है, बदलाव नहीं होता। इसी प्रकार के पहले और ओहो जो ये शब्द हैं, इनमें लिंग वचन कारक के कारण बदलाव नहीं होता, तो ये अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कितनी बार मैं बताती हूं कि नाम के अंदर परिभाषा होती है। विशेषण काम की विशेषता बताई जाती है, क्रिया विशेषण काम करने की जो विशेषता बताई जाती है, क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं, वो शब्द क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द जैसे आज, आज क्रिया विशेषण शब्द है, काम की विशेषता बताते हैं, तो इसका रूप है वो नहीं बदलता, तो ये अविकारी शब्द है। संबंध बोधक, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वो संबंध बोधक शब्द होते हैं। जैसे के पहले, के बाद में, के ऊपर, के नीचे, ये शब्द भी बदलते नहीं लिंग वचन और कारक के कारण, तभी ये संबंध बोधक जितने भी शब्द हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं हम, अव्यय शब्द भी कहते हैं। तीसरा हमारा है समुच्चय बोधक, वाक्य के अंदर एक वाक्य या उपवाक्य के साथ दूसरे वाक्य या दूसरे शब्दों, दूसरे शब्दांशों से संबंध बताते हैं, वो समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे और, किंतु, तथा, परंतु, ये शब्द हैं, ये भी लिंग वचन कारक के कारण नहीं बदलते। जैसे राम और श्याम जा रहा है, गीता और सीता जा रही है, राम और सीता जा रहे हैं, यानी कि और है वो शब्द ना तो लिंग के कारण, ना वचन के कारण, ना कारक के कारण बदलता है, अपने असली रूप में रहता है, परिवर्तन नहीं होता। तो जो हमारे समुच्चय बोधक शब्द हैं वो अविकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं। चौथा है विषमयादि बोधक, विषमय का अर्थ होता है हैरानी, आश्चर्य। ऐसे शब्द जो हैरानी बताए, जिनसे हमें घृणा का बोध हो, आश्चर्य का बोध हो, वो शब्द हमारे होते हैं विषमयादि बोधक, वे शब्द भी नहीं बदलते। जैसे ओहो, आज बहुत गर्मी है, तो ये शब्द भी नहीं बदलते। पांचवा हमारा है निपात। निपात शब्द वो शब्द होते हैं जिस वाक्य में हम किसी चीज के लिए दबाव देते हैं, दबाव वाले शब्द होते हैं वाक्य के अंदर, वो निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे तो, भी, ही, यानी कि वह दिल्ली जाएगा ही, वह यह काम करेगी ही, अब तो रहने दो, यानी कि जिस शब्दों में हम दबाव
डालते हैं, चाहे लड़के के लिए, चाहे लड़की के लिए, चाहे एकवचन, चाहे बहुवचन, लेकिन निपात शब्द हैं वो बदलते नहीं, इसलिए ये शब्द भी हमारे अविकारी शब्द हैं। प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अविकारी शब्द, जिनका लिंग वचन के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता। दूसरा होता है अविकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप है वो नहीं बदलता, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द पांच प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक और निपात। आशा है कि आपको अच्छे से जो प्रयोग और विकार के आधार पर हमारे शब्दों के भेद हैं वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।